Shiva. शिव का था कहानी, काशी में सूर्य का निवास। विश्वनाथपुरी काशी भगवान विश्वनाथ और पतित पावनी गंगा की पवित्र धरती है। इस धरती में द्वादश आदित्य अर्थात 12 सूर्य भी निवास करते हैं। जहां पर भगवान शिव लोगों का कल्याण करते हैं, वहीं भगवान शिव के साथ सूर्य देवता भी लोगों की दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं। पुराणों में काशी में निवास करने वाले 12 सूर्यों में लोलार्क नाम के प्रसिद्ध सूर्य की बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन है। एक बार की बात है कि भगवान शिव बहुत ही चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। उनको चिंतित देखकर मां पार्वती ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो महादेव ने कहा, देवी मुझे अपनी नगरी काशी की बड़ी चिंता होती है। बहुत दिनों से मुझे काशी का कोई हालचाल भी नहीं मिला। तब देवी पार्वती बोली, स्वामी सूर्यदेव तो सबसे तेज गति से चलने वाले हैं, इसलिए क्यों ना आप उन्हें ही काशी का हालचाल लेने के लिए भेजें। इस पर महादेव शिव ने तुरंत ही सूर्य देवता को बुलाकर कहा, आप शीघ्र ही काशी जाएं। वहां के राजा दिवोदास बहुत ही धार्मिक हैं, पर मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए आप वहां पहुंचकर कुछ ऐसा करें जिससे उनका आचरण धर्म विरुद्ध हो जाए और वो अपना कर्तव्य भूल जाएं और उनके इस आचरण से काशी नगरी उजड़ जाए। किंतु सूर्यदेव इतना ध्यान रहे कि राजा दिवोदास का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। भगवान शिव का आदेश पाकर सूर्यदेव ने काशी के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने काशी पहुंचकर राजा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए अनेकों रूप धारण किए। कभी अतिथि तो कभी भिखारी का रूप धरकर उन्होंने राजा से अनेकों दुर्लभ वस्तुएं मांगी, किंतु राजा ने उन्हें सब कुछ दिया। उसके कर्तव्य में कोई कमी नहीं थी। तब सूर्यदेव बहुत ही धर्म संकट में पड़ गए कि आखिर वो महादेव को दिए हुए वचन का पालन कैसे करें। फिर उन्हें लगा कि यदि उन्होंने महादेव का कार्य पूरा नहीं किया तो लौटने पर महादेव बहुत क्रोधित होंगे। इससे तो अच्छा यही होगा कि वे लौटने के बजाय यहाँ मंदराचल पर्वत पर ही निवास करें। ऐसा सोचकर सूर्यदेव ने काशी में ही रहने का निर्णय लिया और वे पूरी काशी का भ्रमण और दर्शन करने लगे। काशी का दर्शन करने के लिए उनका मन लोल अर्थात व्याकुल हो उठा, इसीलिए उनका नाम लोलार्क पड़ा। तभी से भगवान सूर्य भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी के बदायनी इलाके में विराजमान हैं और वहां रहकर वे शिव भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में निवास करने पर जो भी सूर्य देवता के इस लोलार्क रूप का भजन पूजन करता है उसे कभी भूख प्यास नहीं लगती और दरिद्रता भी उसके पास नहीं फटकती। आज भी ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा से लोलार्क देव भक्तों के हर प्रकार के रोग दोष दूर कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव गाथा कहानी, शिव पुराण की महिमा। भगवान शिव की महिमा निराली है और शिव पुराण तो अपने आप में शिव की साक्षात महिमा का पुराण है, जिसके पाठ करने या सुनने से ही लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी भी तरह आस्था या अनास्था से ही कोई शिव महिमा सुनता है तो उसका कल्याण होता है और वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत पहले की बात है कि बनियों के एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था देवराज। वो जाति से तो ब्राह्मण था लेकिन ज्ञान से हीन, दुर्बल और दरिद्र था। उसका ब्राह्मणों के धर्म से कोई लेना देना नहीं था।
वो एकदम स्वार्थी था, केवल अपनी जोड़गांठ में ही लगा रहता था। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। ये ठगी ही उसका मुख्य कारोबार था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों को अनेक बहाने करके उनका धन लूटा था, परंतु उसके इस पाप का थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्य में नहीं लगा था। यहां तक कि धीरे धीरे वो वेश्याओं के यहां भी जाने लगा। एक बार की बात है कि वो अपने काम के लिए घूमते घूमते प्रयाग नगरी पहुंचा। वहां एक शिवालय था। शिवालय में शिवपुराण की कथा हो रही थी। संयोगवश जैसे ही वो शिवालय में पहुंचा, उसे तेज बुखार आया और वो मजबूर होकर वहीं पड़े पड़े महीने भर शिवपुराण का पाठ सुनता रहा और आखिरकार वो बुखार से पीड़ित होकर चल बसा। तभी वहां यमराज के दूत आए और उसे बांधकर यमलोक ले गए। पर इतने में शिवलोक से शिव के गण भी वहां पहुंच गए। वे हाथों में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष और शरीर पर भस्म धारण किए हुए थे। शिव के उन गणों ने क्रोध में यम के दूतों को मार पीट कर उस ब्राह्मण को उनके कब्जे से छुड़ा लिया और विमान में बैठाकर उसे कैलाश लेने को तैयार हो गए। इस पूरी घटना से यमलोक में हाहाकार मच गया। इस भयानक हाहाकार को सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर निकले। पहले तो वे अपने गणों की दशा देखकर बहुत क्रोधित हुए, पर जब उन्होंने वहां शिव के गणों को देखा तो वे समझ गए कि ये महादेव शिव के आदेश पर ही यहां आए हैं। शिव की ये लीला देखकर धर्मराज भयभीत हो गए और उन्होंने शिव के गणों से ये पूछा भी नहीं कि वो यहां क्यों आए हैं और इस उत्पात का कारण क्या है, बल्कि उन्होंने दूतों का स्वागत करते हुए उनकी पूजा की और बड़े आदर पूर्वक उन्हें ब्राह्मण के साथ यमलोक से विदा किया। उसके पश्चात वे दूत ब्राह्मण को लेकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने शिव पुराण को सुनने वाले उस ब्राह्मण को देवी पार्वती और भगवान शिव के सामने पेश किया। भगवान शिव ने ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तूने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत समय में शिव पुराण का पाठ सुनने के कारण तेरे सभी पाप नष्ट हो गए और उसी शिव पुराण की महिमा से तू यहां शिवलोक में निवास करेगा। ऐसा सुनते ही वो ब्राह्मण धन्य हो कहता हुआ महादेव के चरणों में गिर गया। शिव गाथा कहानी, दक्ष प्रजापति का शिव के साथ दुर्व्यवहार। बहुत समय पहले की बात है, एक बार सभी संत, महात्मा और ऋषि मुनि प्रयाग में इकट्ठा हुए। उन सभी ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा तक पधारे थे। तभी सती और अपने गणों के साथ महादेव शंकर भी वहां पधारे। भगवान शिव को वहां आया देखकर सभी देवता, सिद्ध और मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और सभी लोग यज्ञ कार्य में लग गए। इसी बीच दक्ष प्रजापति भी उधर घूमते हुए आए। दक्ष उस समय ब्रह्मांड के प्रजापति बनाए गए थे, इसीलिए वे सबके द्वारा सम्मानित थे। पर ये पद पाकर उनके मन में बहुत अहंकार पैदा हो गया था। उन्हें आता देखकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया, किंतु भगवान शिव ने उनके सामने सिर नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर ही बैठे रहे। महादेव के इस प्रकार बैठे रह जाने पर प्रजापति दक्ष मन ही मन महादेव पर क्रोधित हो गए और उन्होंने सबको सुनाते हुए कहा, इस सभा में बैठे असुर, देवता, ब्राह्मण, ऋषि और मुनि सभी मेरे सामने मस्तक झुकाते हैं, किंतु जो भूत प्रेतों के साथ पिशाचों से घिरा हुआ बैठा है वो मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? इस धृष्टता का कारण क्या है? मैं इसे भयानक श्राप देने जा रहा हूं, पर इससे पहले यहां बैठे सभी ब्राह्मणों, इसे यहां से निकाल कर बाहर करो, क्योंकि ये तुम्हारे महान यज्ञ में भाग लेने लायक ही नहीं है। ऐसा सुनते ही शिव के भक्त नंदी क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने दक्ष को फटकारते हुए कहा, हे मूर्ख, तुझे नहीं पता कि तूने किसको यज्ञ से बाहर करने का आदेश दिया है? जिनके रहने मात्र से ही यज्ञ सफल हो जाते हो,
उन्हीं महादेव शिव को तूने ब्राह्मणों का पक्ष लेकर यज्ञ से बाहर करने का विचार किया है। तो हे दक्ष सुन, जिन ब्राह्मणों के बल पर तूने घमंड में चूर होकर महादेव शिव को श्राप दिया है, उन्हीं ब्राह्मणों को मैं श्राप देता हूं कि यहां पर जो भी ब्राह्मण बैठे हैं वे भविष्य में केवल लालच के वश में ही रहकर अपना कर्तव्य भूल जाएंगे और अपना पेट पालने में लगे रहेंगे, भोग में लगे रहेंगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, वे वेदों का महत्व भी भूल जाएंगे। दोनों तरफ से इस प्रकार के श्रापों को सुनकर यज्ञ स्थान में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने नंदी को बड़े शांत स्वर में समझाया, हे नंदी, तुमने ब्राह्मणों को श्राप देकर उचित नहीं किया। इन सब में इनका कोई दोष नहीं, और जहां तक दक्ष के श्राप की बात है तो मेरे ऊपर उनके श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं इन सब से ऊपर उठ चुका हूं। मुझे किसी का श्राप छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं ही यज्ञ हूं और मैं ही आत्मा। शिव का यह कथन सुनकर वहां पर उपस्थित सभी शिव की जय जयकार करने लगे, पर इससे दक्ष और क्रोधित हो उठे। महादेव शिव के लिए दक्ष प्रजापति की यही कटुता भविष्य में सती के दाह का कारण बनी। ओम नमः शिवाय।